बड़ा ही मजा आ जाएगा। गोभी हमारी बन गई है माशाल्लाह से। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? ये देसी घी है। हाँ जी देसी घी, आज बच्चे कह रहे हैं अम्मी देसी घी लगा दें रोटी में। ये देखिए घर की चीज का ना इतना फायदा हो जाता है कि ये घर का देसी घी, ये देखिए माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक सबको सलामत रखे, आमीन सुमा आमीन। माशाल्लाह से जी आज जो है ना बेगम साहिबा जा रही हैं आउटडोर कुकिंग करने के लिए। हाँ जी, आप सबके फरमाइश पर के हफ्ते में एक दफा लाजमी कुकिंग क्या करें, तो आज मैं आउटडोर ही आज मैं चारपाई साथ लेके चलूंगा, क्योंकि तुम थक जाती हो फिर चारपाई पे बैठ जाना, उधर हवा भी चल रही होती है। हाँ जी। इतने बड़े बड़े आलू। हाँ, इतने बड़े बड़े दो ही बहुत है। पकने क्या जा रहा है? आलू गोभी की रेसिपी। आलू गोभी की रेसिपी आउटडोर पूरे विलेज माहौल के साथ। हाँ जी। फुल फुल देसी घी में। वाओ जबरदस्त। मसाला मैंने इसमें बना लिया है, ये देखें। हाँ। ये सारा मसाला मैंने बना लिया है, इसके साथ ये और ये और ये हो गया हमारा देसी घी का लो। मेरे हिस्से में चार पाई आ रही है, बाकी बाकी सामान मैं और अति हम दोनों लेके जा रहे हैं। चले आप चार पाई लेकर। चले माशाल्लाह जी सुभान अल्लाह, प्योर डोके सुबह ही मेरे ख्याल में आए हैं जी। चारपाई उठा रहा था, चारपाई के ऊपर सुखाए गए हैं। ओए होए 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 होए, देखें जी फ्रेश फ्रेश, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेगम ये इधर सुखा रहा हूँ, इस तरफ ये देखें जी माशाल्लाह सुभान अल्लाह, फुल फुल तैयार। ओए होए 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 होए, चलो चलो मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, चलो चलो आ जा, हमारे पीछे पीछे आ जा। हाय 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 हाय, चलें जी। कैमरामैन कौन? सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मुझे दे दो अभी कैमरा। एक हाथ से वीडियो बना रहा हूँ और चारपाई सर पे रखी हुई है। हवा बहुत बेहतरीन चल रही है राबिया, उस दिन बहुत कम थी, आज हवा चल रही है जबरदस्त। चलो तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह खेतों में हम पहुंच गए हैं आपकी फरमाइश पर, और मसाला वगैरह से मैंने कहा काट लूँ, प्याज वगैरह और टमाटर वगैरह। प्याज आज काफ़ी ख़राब आ रहे हैं आजकल, ये देखें मैं इन्हें ना साबुत ही धो लूँगी अच्छे तरीके से। ये खरीदे हुए नहीं है बाजार से, ये हमारी विलेज के तो वो खरीदे थे ना, विलेज से भी ना खरीदे थे ना, रखे रखे तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा बहुत तो होंगे। तकरीबन हमने 3 मन लिए थे ना, 4 मन। हाँ। 4 मन हमने प्याज लिए थे, जो अब के तकरीबन 10-15 किलो पड़े हैं हमारे पास। मैं जल्दी उस दिन से ठीक हो ना आज, उस दिन तो नीचे बैठी हुई थी यहाँ पर, आज बड़ी इजी तरीके से चारपाई पे बैठ के, इजी तरीके से सिलेंडर यहाँ पे साथ में रख लूंगी मैं। हाँ। और चारपाई पे बैठ के ही खाना बन जाएगा अच्छे तरीके से हमारा, और बहन भाई भी इंजॉय कर लेंगे माहौल को। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह कुछ हमारी आने वाली वीडियो आपको बहुत इंटरेस्ट मिलेंगी और बहुत एंजॉय करने के लिए मिलेगा, हम करवाएंगे। क्योंकि बेगम साहब आप फिर दोबारा किचन भी स्टार्ट कर रही हैं, और दूसरा ये कि हम लोग थोड़ा जो मुख्तलिफ हमारे इलाके हैं जो अभी तक आपने नहीं देखे हैं, आपकी नज़रों से नहीं गुजरे, तो उन इलाकों में हम जाकर आपको जरूर दिखाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कैसे ख्याल आ गया पापा का? हाँ मम्मा पापा का है। अस्सलाम वालेकुम, हादिया ने सलाम कर लिया था, आप सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सारा दिन इधर ही होते हो ना, इधर ही होते हो ना है। ठंडा पानी लेके आ गया जी। हाँ जी, पानी भरो, बच्चे ठंडा पानी लेकर आ गए हैं। पिलाओ सही वाला, हादिया पिलाओ पापा को पानी। हाँ ये देखें जी विलेज के सारे बच्चे जो है ना वो ट्यूबवेल पे नहाने के लिए जा रहे हैं, देखिए सारे सारे वो सामने ट्यूबवेल है ना, वो दोनों चल रहे होंगे तो ये सारी पलटन उधर ही जा रही है, तो हम अपना सारा सामान लेके वहीं ना चलें ट्यूबवेल पे। हाँ। नहीं काफी दूर है वो।
ये ऐसे नजदीक लग रहा है लेकिन ये काफी दूर है, काफी दूर भी है। और फिर है ना वहाँ पर सारे जेंट्स होते हैं। हमारा अपना ट्यूबवेल है ये मामू वाला, ये इंशाल्लाह चलेगा कल, मेरे ख्याल में चलाएंगे वो। हाँ तो कल अहमद के फरमाइश पे बनाऊंगी मैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू जी, थैंक यू। मैंने कहा मोटी मोटी ये काट लूं, ज्यादा बारीक ना करूं इसे। माशाल्लाह बैठ कैसे गई हैं सीखने के लिए कि जैसे सीख रही हो दोनों। अभी मदरसे में टाइम है ना, तो दोनों अपनी मम्मा के साथ बैठ गई हैं सीखने के लिए। वैसे राबिया ना माशाल्लाह से सही करती हो तुम, बेगम साहिबा जी बच्चियों को ना अक्स हादिया को खास तौर पे ना कहती रहती है कि ये करो वो करो, चाय बनाओ फलाना करो। चाय भी बना लेती है मेरी बेटी, पापा को चाय बना के पिलाती रहती है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, उस वक्त हमारी वीडियो ही पूरी हो जाती है तो हम नहीं दिखा पाते। हाँ मेरी बेटी किसी दिन स्पेशल चाय बना के दिखाएगी, है ना। मैं तो बेचारी उल्टी लेकिन बना लेती है। भाई तुम्हारा राज ये भी तुम्हारी मम्मा ने बता दिया, उल्टे हाथ से चाय बनाती है बेचारी, उल्टे हाथ, उल्टे हाथ की है ये, है ना। हाँ ये तुम्हारा जोर वाला हाथ कौन सा है, उल्टा ना। कौन सा वाला है, किस हाथ से दुपट्टा पहनती है। नहीं ये वाली अक्सा जो है ये सीधे हाथ, सीधे हाथ से है, और आदि जो है ना ये उल्टे हाथ से है। उल्टे हाथ से है। गोभी हमारी बन गई है माशाल्लाह से, अब हम काट लें ये मोटे डंडर, दो आलू। ये दो आलू है मोटे डंडर, ये दो ही काफी है। ये दो ही काफी है, ये काट लो फिर इंशाल्लाह से गोभी वगैरह धो के ना, और हम अब करते हैं अपनी रेसिपी स्टार्ट। माशाल्लाह से सब्जी हमने काट ली है सारी, और सब्जी का आगे अभी वॉश करने का काम, फिर इसे कर लेते हैं हम अच्छी तरीके से वॉश। अच्छा भाई जो बेगम साहबा की कुकिंग वीडियोस होती है ना मैं उसमें थोड़ा कम बात करता हूँ, तो प्लीज। नहीं नहीं कर लिया करो बात, कोई ना मसला नहीं। हाँ अक्सा बेटा मम्मा की हेल्प कराओ। नहीं 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 धुल गया बस, ये देखे अच्छे से धुल गया। अभी गोभी लेकर आती हूँ और गोभी धो लेती हूँ और प्याज भी धो लेती हूँ। देखें ये गोभी के फूल मैंने बड़े बड़े काट लिए और प्याज भी इसमें डाल दिया। कटोरे में ना गोभी भिगो कर रख दूंगी। माशाल्लाह से सब्जी हमारी धुल गई अच्छी तरीके से। देखें हमने वॉश कर ली है, गोभी में हमने पानी डाल दिया है। चलते हैं हम अब अपनी रेसिपी की जाने। अच्छा ये मोरिंगा का पौधा जो है ना राबिया, ये कब, मेरे ख्याल में अभी लगाया है ना। हाँ। मोरिंगा हम तो इसको सुहांजना भी कहते हैं। हाँ जी। और ये माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी बनता है, अभी छोटा सा है, बनाया भी है मैंने काफी दफा सर्दियों में, ज्यादा सर्दियों में। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में राबिया राबिया की कुकिंग जो है ना हमारी जो देसी होती है वो भी स्टार्ट हो जाएंगी इंशाल्लाह से। गिर जाएगा, नीचे रख लो। अभी से नीचे रख देती हूँ। हाँ इधर रख लो, इस जगह पे सिलेंडर ले आऊं। मैं तो कहता हूँ चारपाई इधर निकाल देते हैं। अब छां गए ना, देखो मैंने पहले कहा था आपको मैं चारपाई यहाँ पर सही है। अभी थोड़ी थोड़ा सा तुम बैठो तो सही, इस तरफ धूप अभी नहीं आएगी क्योंकि सूरज जो है ना अभी इस दरख्त के ऊपर है, ये है, थोड़ा इधर जाएगा तो फिर धूप आएगी वरना नहीं आएगी अभी। चलें जी अभी स्टार्ट हो रही है जी हमारी देसी रेसिपी गोभी। देसी ऐसे टेढ़ा है, टेढ़ा है ना। हाँ ये पाँव ऊंची नीचे लगा है, ये पाँव हटाओ ना, ये चप्पल जो इधर है थोड़ा पीछे करो, पीछे करो, पीछे करो, ताकि इजी। हाँ अब सीधा है, ताकि तुम भी इजी रहो और तुम्हारी कुकिंग भी। अहमद यहाँ पे चारपाई बहुत ऊंची है, मेरी लाते देखे कितनी ऊंची आ गई, वहां पर निकाल लेते हैं, यहाँ पर रखें। हाँ जी चलो आ जाओ, यहाँ से जरा सही रहेगा, आ जाओ। माशाल्लाह से कपास की फसल भी अभी जवान हो गई है, बस अभी कुछ दिन के बाद जो है ना इसको कपास लगना शुरू हो जाएगी माशाल्लाह से। ये लेटर हमें बहुत काम दे गया, माचिस गिली हो जाती थी लेकिन हमने लेटर ले लिया, लेटर से हमें बहुत ज्यादा आसानी हो।
जल गए जी। नजर तो आ नहीं रही अभी। नजर अभी आ रहे नजर। प्याज साबुत डालना है मैं आपके लिए? नहीं, गोश्त में मजा कर। एक प्याज गुम हो गया। माशाल्लाह बेगम साहबा का जो प्याज काटने का स्टाइल है ना, आउटस्टैंडिंग है। ऐसे ऐसे क्रच 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 क्रच, पानी खुश्क हो गया। देसी घी, देसी माहौल में देसी घी की अंडिया और रोटियों पे भी देसी घी। ये मेरे अपने हाथ का बना हुआ देसी घी। ये देखें जी, इसका कलर खुद ही देख लें आप, क्योंकि जो दूसरा होता है वो ऐसा नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं। ये देखें, घी हमारा गर्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से। प्याज हम डाल देते हैं। आज सिलेंडर की हवा भी नहीं लग रही है। सिलेंडर की हवा या सिलेंडर की आग भी नहीं लग रही है, क्यों कि हवा बहुत ज़्यादा तेज चल रही है। देखें, कभी बहन भाई कहें कि देसी घी नहीं है, देखें देसी घी ऐसा होता है। ये देखिए इस तरह से उबाले आते हैं देसी घी के। खुशबू भी बता रही है ना देसी घी की। हाँ जी, माशाल्लाह से प्याज हमारे देखे लाइट ब्राउन हो गए हैं। इसमें डालेंगे हम ये टमाटर और हरी मिर्चें। इसमें डाल रखे हैं और मैं आज सालन वाला चमचा नहीं लेकर आई, चावल वाला चमचा लेकर आई, क्योंकि गोभी खुश्क है। सालन शौरबा वाली नहीं है, जो मुझे चमचा की जरूरत पड़ेगी, तो मैंने चावल वाला चमचा लिया। इससे ज़रा अच्छे से मिक्स भी हो जाएंगे। इसमें डाल रही हूँ अब मैं ये मसाले जो मैं घर से बना कर लेकर आई थी। ये घर के मसाले हैं, थोड़ा सा मैंने इसमें ज़ीरा भी डाला है और साथ में मैं इसमें आलू भी ऐड कर दूँगी, क्योंकि गोभी आपको पता नरम होती जल्दी गल जाती है, आलू गलाते गलाते गोभी का चूरा ही हो जाता है। तो मैं साथ में ये आलू भी डाल दूँगी ताकि मसाला भी अच्छे से भुन जाए और आलू भी मेरे भुन जाए। आधे कच्चे हों आधे पके हों, तो जब मैं गोभी डाल दूँगी। ये दो आलू थे हमारे, देखे बारी आती है जी मेरे ख्याल में गोभी धोने की। हाँ, थोड़ी थोड़ी करके धोऊंगी क्योंकि टोकरी छोटी है। एक पानी निकल गया गोभी का हमारा, दूसरा पानी इसमें डालते हैं और आलू डाल के थोड़ा सा पानी डाल के मैंने कवर कर दिया कढ़ाई। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, खजूरें खाई जा रही हैं। वाह, इधर देखें जी, उधर तो खजूरें खाई जा रही हैं और इधर देखें हरी मिर्चें निकाल ली उसे। ये देखें, बड़ा ही मज़ा आ जाएगा। ये देखें सारी तो इधर ही निकाल लोगी तो फिर नहीं, साबुत वाली भी डालूंगी ना। ये रखी हुई है ताज़ी ताज़ी, ये देखें। आज मेरे बहन भाई जिस जिसने खाना, इनने कहना राबिया ने अकेले अकेले खा लिए और हमारे मुंह में पानी आता रहे। अहमद वो हदिया दादी के घर जाओ, लस्सी पता करके। हाँ, ये सामने दादी का घर है, मजेदार ना। खाए आप? नहीं नहीं खाओ आप खाओ।
बच्चों ने खाने हैं, सालन बन जाएगा फिर खाएंगे सब बैठ के। हादिया अकेली नहीं जा रही थी, कह रही है पापा आप साथ चलो, कुत्तों से डर लगता है, आगे कुत्ते हैं ना, तो अब दोनों जा रहे हैं जी लस्सी का पता करने के लिए। हाँ जी, अच्छा ये भी इधर ही आ गई, तुम अकेली बैठी हो, अच्छा मैं इधर ही रुका हुआ हूँ, सिर्फ हादिया को भेजता हूँ जाके पता करके आती है, जाओ बेटा पता करके आओ जल्दी से, अगर है तो ले आओ, मैं इधर रुक जाता हूँ, ठीक है जल्दी से भाग के जाओ, तुम्हारी मम्मा उधर अकेली बैठी हुई है, जाओ जल्दी से आओ के आओ। हाँ खुद बनाई नहीं है, हाँ अरे नसीब, आ जाओ चलो चलो शाबाश आगे चलो, बस जी नसीब, आज बनाई ही नहीं है, खुद बनाई ही नहीं है आज। अच्छा हाँ अभी खाया, जैसे तुम अकेली बैठी हुई थी इधर ना, इन फसलों में गिद्दड़ भी बहुत हैं। आदत हो गई है, अब आदत हो गई है जी हमारी, गांव वालों की वैसे भी आदत हो जाती है इनकी आवाजें सुन सुन के। मुंह में अभी से पानी आ रहा है, माशाल्लाह से आलू हमारे आधे गल गए आधे रह गए, और हमने गोभी डाली, कपड़े छुपा के अभी कितना 10-15 मिनट और लगेंगे, क्योंकि अभी सबर नहीं हो रहा, अभी सबर नहीं हो रहा, और वो भी ज्यादा है कढ़ाई से ज्यादा है ना, ये एक मिनट में थोड़ी सी सूख जाएगी ना, हाँ थोड़ी देर के लिए इसको सूखने दो, हाँ बाद में सिर्फ दो चीजें रह जाएं हमारे पास जो हम आसानी से ले जाएं, नहीं तो चारपाई के ऊपर रख देना। नहीं। चलो बच्चों सामान घर पहुंचाओ और फिर तैयारी करो अपने मदरसे की, हम लोग मैं और तुम्हारी मम्मा जो है ना, बाकी फिर सामान जैसे बन जाता है फिर पका के लेके तो आ रहे हैं घर, ठीक है पका तो जी हम घर में भी सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ आप बहन भाइयों की फरमाइश होती है, आप बहन भाइयों की फरमाइश, आपको कैसे माहौल नजर आएगा, हाँ जी ये वाला माहौल कैसे नजर आएगा, इस वजह से जो है ना हम ज्यादा अपने घर से दूर नहीं है, वो सामने ये देखें, ये सामने मस्जिद है और इसके साथ ही हमारा जो है ना वो घर है। चलो भाई तुम भी सामान पहुंचाओ, मैं सामान क्या, नहीं नहीं अक्सा अक्सा खा लो। माशाल्लाह से गोभी हमारी रेडी हो चुकी है, तैयार है खाने के लिए, और अहमद मैं थक गया था जी, मैं थक हार के चारपाई पे बैठ गया, अहमद बेताब है गोभी खाने के लिए, बच्चे भी बहुत ज्यादा बेताब हैं गोभी खाने के लिए, बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद है तो बेमौसमी, हाँ विलेज में ये है कि आपको सिर्फ और सिर्फ मौसम की सब्जी मिलेगी, हाँ जी हाँ जी बेमौसमी नहीं मिलेगी आपको सब कुछ, माशाल्लाह से ये देखो कितना अच्छा कलर है, देखा मैंने कहा था ना कि आधे आलू गले में हो आधे कच्चे हो तो गोभी डाल दें ताकि गोभी का चूरा ना बने, गोभी देखें वैसी के वैसे फूल के फूल पड़े हैं गोभी, माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह खाना हमारा रेडी हो गया, खाते हुए हम नहीं दिखाएंगे क्योंकि काफ़ी बहन भाई कहते हैं कि आपने हमारे साथ नाइंसाफी की है, खाते हुए नहीं दिखाया, नहीं तो खाते हुए नहीं दिखाएंगे क्योंकि काफ़ी बहन भाइयों के मुंह में पानी भी आ रहा होता है अचार को देख के, लस्सी को देख के, लस्सी तो आज मिली नहीं है, खाली अचार के साथ ही हम इंजॉय करेंगे, तो मिलेंगे हम कल अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखते हुए दुआओं में हम सबको याद रखते हुए
हमें दीजिएगा इजाज़त देसी माहौल देसी घी के साथ खानों के साथ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। जहाँ रहे हंसते रहे मुस्कुराते रहे। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर और अच्छे से कमेंट करते जाइए। अब लेके चलते हम अपना सामान घर भागते हैं। चलो बच्चों, फिर से अपने अपने हिस्से का सामान उठाओ। सिलेंडर कौन? राबिया, ये भी गरम है और सिलेंडर भी गरम है। सिलेंडर तो बहुत ज्यादा गरम है, मेरा हाथ जल गया। हाँ, अब ये कैसे लेके जाना होगा? टाइम एक काम करता हूँ, चारपाई में मैं सर पे रखता हूँ। नहीं, चारपाई को छोड़ के चल लेते, बाद में ले लेना चारपाई। अब जाएंगे फिर वापसी आऊंगा। मैं एक काम करता हूँ, चारपाई सर पे रखता हूँ, सिलेंडर उसके ऊपर रख दो। गिरेगा नहीं? नहीं जी, गिर जाएगा। जैसे गिरा ना सिलेंडर तो चारपाई पूरी जल जाएगी। क्यों, आग लग जाएगी? नहीं, सिलेंडर गर्म है और आपकी टिंडी भी जल जाएगी। चलें जी, देखते हैं कैसे लेके जाना है सिलेंडर। और ये बस आते टाइम तो कुछ ज्यादा सामान था, लेकिन जाते हुए कम सामान है, क्योंकि हमने पहले पहुंचा दिया ना सामान। हाँ। अब तुमने ये उठा ली, अक्सा ने ये उठा लिया। हाँ जी, आधे मेरा मोबाइल उठाएगी बस। और आप चारपाई छोड़ दो, बाद में ले लेंगे। चलो, यहाँ तो कौन सा कोई चोरी करके लेके जा रहा है। चलो ऐसा ही करते हैं।